हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल दमिला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये सीखेंगे कि अपने लिए अच्छा कैसे सोचें, पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे दें, और ये जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अपने लिए अच्छा सोचना एक आर्ट है। कई बार कुछ लोग इसे जबरदस्ती भी सोचने लगते हैं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि पीछे फियर और अपने लिए असलियत का एहसास तो रहता ही है। तो अपने लिए अच्छा सोचना बेसिकली माइंड की एक ट्रेनिंग है, जो धीरे धीरे ओवर द टाइम हम सबको लर्न करनी होती है। इसे पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते हैं। दिस इज इन अ वे चेंजिंग द वे योर माइंड थिंक्स अबाउट यू। जैसे आपको किसी एरिया में इम्प्रूव करना है और आप चाहते हैं कि मैं उधर इम्प्रूव करूं, अंदर से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, तो उसके लिए आपको करना है कि आई एम दिस। लाइक अगर आप बहुत हेल्दी होना चाहते हैं, आई एम हेल्दी, अभी कुछ इश्यू चल भी रहे, स्टिल आई एम हेल्दी। उसके पीछे एक हेल्दी इंसान है और बस आप उसी को याद करते हैं, उसी से एनर्जी लेके अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर रहे हैं। इट अप्लाइज टू एवरी फील्ड। बेसिकली जो हमारा यूनिवर्स का वीडियो है, उसमें जो सेकंड पॉइंट है बिलीव, बस अपने बिलीव सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने हालात के लिए, आसपास हर चीज के लिए अच्छा सोच रहे हैं। और ये एक ट्रेनिंग है, माइंडसेट इज एवरीथिंग। ये करनी कैसे है वो भी बहुत सिंपल है। आपको पुरानी ट्रेनिंग हटानी नहीं है। माइंड को पूरा एक ही दिन में, एक ही पल में मैं बदल दूं सब कुछ, नो। यू हैव टू डू इट डेली, सुबह, शाम, रात, जब आपको याद आए अपने माइंड को अफर्मेशंस दीजिए। आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम रिच। यस, इट इज ओनली अ चॉइस। जैसे ही आप ये करना शुरू करते हैं, आपकी एनर्जी चेंज होती है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे पॉजिटिव अफर्मेशन से लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी बदल ली है, चमत्कार कर दिया है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो बहुत बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, उनकी एक दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी पर बहुत चोट आ गई थी, जिसकी वजह से वो बेचारे व्हीलचेयर पे भी आ गए थे। और डॉक्टरों ने कह दिया था कि सर्जरी होगी, जो कि थोड़ी रिस्की थी, या फिर वो कभी जीवन में अब चल नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मैं खुद को ठीक करके दिखाऊंगा। अपने मन ही मन में वो बस प्रेयर भी करते थे और विजुलाइज करते थे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी ठीक हो रही है, मेरा वर्टेब्रे कॉलम शेप में आ रहा है, मैं उठ रहा हूँ, I can do this. This was his positive affirmation, जो वो खुद को दिन रात दे रहे थे। और चमत्कार हुआ, 6 महीने बाद वो अपनी व्हील चेयर से उठे और दुनिया को चल के दिखा दिया। So, देखा आपने फ्रेंड्स, इस तरीके से जस्ट अपने माइंड सेट को बदलने से, पॉजिटिविटी में आने से, कोशिश करते रहने से कैसे मिरेकल्स हो सकते हैं। एक प्लेसेबो इफेक्ट होता है, जिसमें अगर माइंड ये समझ ले कि मैं खुद को हील कर सकता हूँ, खुद को ठीक कर सकता हूँ, तो वो होने लगता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने भी देखे होंगे अपने आसपास। एक छोटा सा एग्जांपल अपनी पर्सनल लाइफ से बताती हूँ। मुझे पिछले काफी समय से गले में काफी तकलीफ थी, काफी कफ था, और कुछ दवाइयां लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं तो पॉजिटिव अफर्मेशंस में इतना बिलीव करती हूँ, तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। मैंने अप्लाई किया और मैंने ये मानना शुरू कर दिया कि मेरी खांसी अब ठीक हो रही है। आई डोंट कफ नाउ, आई एम गेटिंग बेटर। सोचने की बात थी, अगले दिन से थिंग्स वर गेटिंग बेटर। कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट आपको अंदर से फीलिंग होती है, आपको पता होता है कि मैं हूं ऐसा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कुछ भी, देन यू कैन एक्चुअली डू इट। बस हमारे माइंड ने जो एक नेगेटिव पैटर्न सीखा होता है, ये मेरे बस का नहीं। जो लोग दूर से ही तब समझ सकते हैं कितना नेगेटिव माइंडसेट वो अपने आप को देकर बैठ गए हैं। ऐसे में अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो वो पहले आपकी विलिंगनेस से स्टार्ट होगा, आपके एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होगा दैट आई कैन डू इट। और बस एक बार आई कैन डू इट बोल दिया, तो यू कैन डू इट। थैंक यू।